नमस्कार जी बिजनेस की पेशकश में आपका स्वागत है। यह है मनी गुरु शो और आज हम लोन बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके लोन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर उठाएंगे। अगर आप भी यहाँ पर लोन से जुड़े हुए कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, चाहे वो ऑटो लोन से जुड़ा हो या फिर एजुकेशन लोन से या फिर आप होम लोन के विकल्प जानना चाहते हो, तो तरीका काफी सिंपल है शो में जुड़ने का। करना सिर्फ आपको ये है कि आपको हमें एक ईमेल लिखना है। हमारा ईमेल आईडी है moneyguru@zeenetwork.com और साथ ही साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, कर्ज लिखें, KARZ कर्ज लिखें, उसके बाद अपना पूरा सवाल लोन से जुड़ा हुआ लिखें और साथ ही हमें भेज दें 57575 पर। चलिए आज आपके लोन से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बलवंत जैन जी, जो कि CFO हैं अपनापैसा.com के। बलवंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। साथ ही यहाँ पर दर्शकों को बता दें किस तरीके से वो अपने यहाँ पर जो प्रश्न लेंगे उसमें सबसे पहले यहाँ पर कौन से प्रश्न लेंगे, किन मुद्दों को सबसे पहले यहाँ पर उठाएंगे। सबसे पहले जो इस पर क्वेरी आई है वो टैक्स बेनिफिट से रिलेटेड है। होम लोन के ऊपर यहाँ पर टैक्स बेनिफिट किस तरीके से मिल सकता है, इनफैक्ट ये जॉइंट होम लोन के ऊपर क्वेरी है और टैक्स बेनिफिट किस तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अगर घर रिपेयर कराना हो तो उसके लिए जो लोन मिलेगा उसके यहाँ पर क्या ब्याज दर रहेंगी और कौन से विकल्प मौजूद हैं, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। चलिए इसी बीच पहला प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ लाइन पे कॉलर जुड़ चुके हैं तारा चंद जी, से लाइन पे मौजूद है राजस्थान से। तारा जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछे अपना प्रश्न। नमस्कार सर, मैं तारा चंद मिश्रा तारानगर चूरू राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। मेरा होम लोन से संबंधित मेरा 3 क्वेरीज है। उसमें फर्स्ट वन है कि मैंने प्रॉपर्टी पे होम लोन 6 लाख का लिया था मार्च 7 में, SBB छह लाख का लोन मैंने सैंक्शन करवाया। उसमें चूंकि मेरी पत्नी और मैं दोनों वेतन भोगी कर्मचारी हैं जी, तो बैंक ने मेरी पत्नी को गारंटर बनाने के लिए इंसिस्ट किया था और उनके इंसिस्टेंस पर मैंने उनको पत्नी को गारंटर बना दिया। और चूंकि हमारा बैंक में सेविंग अकाउंट है वो जॉइंट था, उसके बेस पे उन्होंने मेरे पत्नी को उसमें लोन के टाइटल में भी उन्होंने वहां पर को बोरोवर बना दिया जी। उसको मैंने थोड़ा सा मैंने कुछ समय के बाद में विड्रॉ कर लिया, पत्नी के नाम को टाइटल से विड्रॉ करवा लिया। बाद में चूंकि मैंने जी बिजनेस पे ही मुझे पता चला कि होम लोन की जो रिबेट है वो को बोरोवर होने पर पति पत्नी दोनों को अलाउ है, तो क्या मैं मेरा इस मामले में मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं उस पहले वाले लोन के टाइटल में मेरी पत्नी के नाम को मैं रजिस्टर करवा सकता हूँ जी। और साथ ही आपने ये भी कहा कि आपकी पत्नी के साथ आपने मिलकर उसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने 5 लाख का लोन भी लिया उसके बाद अलग से। जी, मैं दूसरी क्वेरी पे मैं यही आ रहा था कि एक तो उस दोनों को पति पत्नी अगर को बोरोवर है और उनको अगर होम लोन पर अगर रिबेट अलाउ है, तो मैं कुड यू प्लीज टेल मी द पर्टिकुलर सेक्शन अंडर विच द रिबेट इज एडमिसिबल। जी बिल्कुल, आप जो पहले कह रहे हैं कि आपके जो पत्नी हैं उनको पहले जो आपने यहाँ पर गारंटर बनाया था, गारंटर हटा के को बोरोवर बना लिया। हाँ जी, तो उस प्रश्न में आपका मुद्दा क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं? उसमें मैंने मेरे पत्नी का नाम विड्रॉ कर लिया था उस 2-3 महीने के बाद में जी, तो मैं पत्नी के नाम को रजिस्टर करवा सकता हूँ लोन के टाइटल में, पहले वाले लोन के टाइटल में। जी बिल्कुल बलवंत जी, किस तरीके से देखते हैं इनके सवाल को यहाँ पर आप, और साथ ही इन्होंने इनकी जो पत्नी के साथ मिलकर आप उसी प्रॉपर्टी के ऊपर 5 लाख का लोन भी ले लिया है, तो इनके दोनों प्रश्नों का आप किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए ऐसा है ताराचंद जी, मेरे को आपकी बात से लग रहा है कि आपने प्रॉपर होम लोन नहीं लिया है परंतु लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि होम लोन है ना सिर्फ एक ही बार मिलता है, ये जैसे बता रहे हैं मैंने एक बार लिया फिर वापस दूसरी बार उस पर 5 लाख और लिया है तो जो प्योर अगर आपने होम लोन लिया है मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया है उसको होम लोन बोलते हैं, और अगर कोई आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और उसके सामने अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अगर आपका प्रॉपर होम लोन है तो और आपको उस इनकम टैक्स में 2 बेनिफिट मिलते हैं, एक तो जो आप रीपेमेंट करते हैं उसका सेक्शन 80C में मिलता है सालाना 1 लाख रुपये तक, और दूसरा जो बेनिफिट है वो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसका लिमिट है, अगर आप उस घर में खुद रह रहे हैं तो 1.5 लाख रुपया है, और अगर उसको किराए पर चढ़ा रखा है तो ब्याज जितना भी आप चुकाते हैं पूरा मिलता है, परंतु ये जो एलिजिबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में दोनों ज्वाइंट ऑनर होने चाहिए और जो लोन लिया है उसमें दोनों ज्वाइंट बोरोवर होने चाहिए,
और सिर्फ जैसे ये बात कर रहे हैं कि मैंने नाम ऐड करवा दिया, वाइफ का नाम निकलवा दिया, तो सिर्फ बोरोर का नाम, एज ए बोरोर नाम होने से उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको जो लोन है ना वो सर्विस भी करना पड़ेगा। तो जिस अनुपात में इन्होंने लोन को सर्विस किया है, मतलब पूरे साल में उन्होंने कितना सर्विस किया, इनकी वाइफ ने कितना सर्विस किया है, उसके बेसिस पे उनको इनकम टैक्स के जो दोनों बेनिफिट्स है, रीपेमेंट 80C का और 24 का है, वो मिलेगा। जी बिल्कुल, इसी बीच हमारे साथ अगले कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं जगदीश जी, इस समय लखनऊ से लाइन पे अपना प्रश्न पूछने के लिए। जगदीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछे अपना प्रश्न। नमस्कार, मेरी क्वेरी थी जी, मैं 6 महीने बाद घर खरीदना चाहता हूँ, तो उसके लिए होम लोन लेना पड़ेगा, तो मुझे बताइए कि क्या क्या साधन रखनी चाहिए होम लोन लेते समय। जी बिल्कुल, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आप बैंक से संपर्क करेंगे कि तो किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बलवंत जी काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है यहाँ पर, 6 महीने बाद यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि लोन की शॉपिंग करते समय किस तरीके के यहाँ पर मुद्दे निकल के आएंगे, किन बातों का ध्यान रखे चले, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें ध्यान रखे चले। देखिये जगदीश जी, ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो है आपकी जो इनकम है, इनके के बेसिस पे आप जो बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे आपको पता लग सकता है कि आपको लोन की कितनी एलिजिबिलिटी है, और उसके बेसिस पे आप अपनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई वाइफ भी अर्निंग है तो उनको भी अगर एज ए को बोरोर जोड़ देंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है, और आप उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और क्या देखना चाहिए उसमें, ऐसा है कि एक तो आपको जैसे अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पिक पे हो रखी है, तो अभी आपको कोई फिक्स रेट वाला लोन प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, फ्लोटिंग रेट का ही जो लोन प्रोडक्ट है वो लेना चाहिए। और अगर आपको जब भी कभी लगे कि अरे नहीं ये तो इंटरेस्ट रेट है ना एकदम बॉटम पे आ गई है, और अगर आपका लेंडर एग्री होता है तो आपको वो फिक्स करवा देना चाहिए। इसके अलावा देखना चाहिए कि अगर आप भविष्य में आपके पास अगर कुछ फंड अवेलेबल होते हैं, और अगर आप रीपेमेंट करना चाहे, पार्ट प्रीपेमेंट करना चाहे, पूरा प्रीपेमेंट करना चाहे, तो आप बोरोर सेलेक्ट करने के पहले देखिए कि वो प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में तो NHB ने सर्कुलर दे दिया है कि अगर वो फ्लोटिंग रेट है तो वो प्रीपेमेंट कहीं से भी करे तो प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, और फिक्स है तो अगर अपने सोर्सेस से करते हैं तो प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। जहां तक बैंक्स का सवाल है, बैंक्स में ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक है, इन्होंने फ्लोटिंग पे प्रीपेमेंट पेनल्टी निकाल दिया, पर सबने नहीं निकाला है। तीसरा चीज उनको देखना चाहिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक्स का बेस रेट के बेसिस पे चलता है, जैसे ही बेस रेट ऊपर नीचे होता है वैसे बैंक को भी अपना जो लेंडिंग रेट है वो कम करना पड़ता है, और वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है। बनिस्बत जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनके लिए बाध्य नहीं है कोई भी रेट बेस रेट के हिसाब से ऊपर नीचे करना, बस ये देखना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पहलू है उनको पहले 4-5 जो लेंडर है आइडेंटिफाई करना चाहिए, चारों की जो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है, क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह है, वो सब पता लगानी चाहिए, और फिर चारों से नेगोशिएट करना चाहिए। और हर एक चीज नेगोशिएट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगोशिएट होती है, प्रीपेमेंट पेनल्टी नेगोशिएट होती है, और जो आपका प्रोसेसिंग फीस है वो भी नेगोशिएट होती है, तो आप नेगोशिएट कर लेना चाहिए। और अगर आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर दिया है तो आपको बैंक थोड़ा फेवरेबली कंसीडर करेगा, उनको लगता है कि नहीं ये सीरियस बायर है, तो अगर आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर दिया तो वो पेपर वगैरह भी बैंक को दिखा दीजिए, तो आपको जल्दी से लोन अप्रूव हो जाएगा। चलिए जगदीश जी, यहाँ पर पहला लोन आप लेने जा रहे हैं, उम्मीद है जो बलवंत जी ने आपको सलाह दी है उस पर आप अमल करेंगे और आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। एक छोटे से ब्रेक ले, यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है, आज लोन बाजार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही आपके लोन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर उठा रहे हैं, आप इस शो में जुड़ सकते हैं, अपने लोन से संबंधित प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं, तरीका काफी सिंपल है, आपको हमें एक ईमेल लिखना है moneyguru@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पर अपना डिटेल लोन से जुड़ा हुआ प्रश्न लिख के भेज सकते हैं, साथ ही हमें SMS भी कर सकते हैं, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर कर्ज लिख करके RZ कर्ज लिखकर अपना पूरा सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं 5755 पर। बलवंत जी अगला प्रश्न हमारे पास ईमेल के जरिए आया है, और जो प्रश्न है राम प्रकाश जी का मेरठ से प्रश्न है, और घर रिपेयर करने के लिए इनको लोन चाहिए, इनका कहना यह है कि इनकी पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर रिपेयर करवाना चाहते हैं और उसके लिए यहाँ पर लोन के विकल्प तलाश रहे हैं, तो क्या सलाह देंगे, ऐसे कौन से विकल्प मौजूद हैं जिस जो ये लोन लें और उसके बाद उसको घर के रिपेयर के लिए यूज कर सकें। देखिए रजत जी, जितनी भी फाइनेंस कंपनी या बैंक्स जो होम लोन देती है वो
होम इम्प्रूवमेंट या होम रिनोवेशन लोन करके प्रोडक्ट है वो भी देती है, और नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है बोरोअर का क्या क्रेडिट हिस्ट्री है, क्या प्रोफाइल है, क्या इनकम है और क्या उनका कितना रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे रेट ऑफ, और नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होम लोन के लिए है और ये जो होम रिनोवेशन के लिए उसमें ज़्यादा फर्क नहीं, आधा एक परसेंट का फर्क रहता है। और जैसे ये बताया कि इनका पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे लोन लेने के लिए बैंक को पहले इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये खुद उस जमीन के या जो जगह है उसके मालिक है और इस पर कोई डिस्प्यूट का चांस नहीं है और दूसरा कोई भी उस पर ओनर नहीं है। जी बिल्कुल। साथ ही एक और प्रश्न हमारे पास आया है, कमल कुमार जी का प्रश्न है दिल्ली से, और ये जो प्रश्न है एसएमएस के जरिए आया है ये भी ले लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी पर लोन के ऊपर प्रश्न है कि इनका एक कहना है कि जो लोन पे ली गई प्रॉपर्टी होती है उसको बेचने या खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोन आउटस्टैंडिंग है प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको बेचना कितना आसान है ये आप पहले बताएं, और साथ ही साथ किन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी को बेचते समय या फिर खरीदते समय। देखिए कमल जी, ऐसा है कि जिस प्रॉपर्टी पर लोन लिया हुआ है वो जिससे लोन लिया है बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनकी सहमति के बिना वो बेचा नहीं जा सकता। और बैंक को जैसे आप रिक्वेस्ट करें कि मेरे को ये प्रॉपर्टी बेचनी है, आपने सपोज लोन ले रखा है और आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी है, तो बैंक आपको एक लेटर देगा आपके रिक्वेस्ट पे कि कितना पेमेंट कर चुकाने के बाद में आप को बैंक आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दस्तावेज वगैरह पड़े हैं वो आपको हैंडओवर कर देंगे, और उसमें जो भविष्य में जो इंटरेस्ट है अगर बैंक कोई प्री पेमेंट लेवी करने वाली है वो भी इंक्लूड रहेगा। तो वो पूरी अमाउंट जब आप पे कर देंगे तो वो बैंक आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको हैंडओवर कर देंगे। यह लेटर है ना, दूसरी बैंक के नाम से भी एड्रेस करवाया जा सकता है, अगर कोई जो बोरोअर है वो भी लोन लेना चाहता है तो वो जहाँ से लोन लेना चाहता है उस बैंक के नाम वो बैंक एड्रेस कर सकती है ये लेटर। और इस केस में क्या होगा कि वो जो बोरोअर का जो लेंडर है वो सीधे ये सेलर के इसको लेंडर को वो चेक दे पेमेंट कर देगा और वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी जो बोरोअर का बैंक है वो सेलर के बैंक को यहाँ पर पहले रीपे कर देगा और उसके बाद जो रकम होगी, जो बकाया रकम होगी वो यहाँ पर प्रॉपर्टी ओनर को मिलती है नजर आएगी, सबसे पहले यहाँ पर लोन पे करेगा यहाँ पर बैंक। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। एके श्रीवास्तव जी लाइन पे हैं रेवाड़ी से। श्रीवास्तव सर नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 51 वर्ष है और मैं रेलवे अधिकारी हूँ, सैलरी 40,000 पर मंथ है जी। मुझे प्लॉट या हाउस के लिए कितना लोन मिल सकता है और कौन से बैंक है जो केवल प्लॉट के लिए लोन देते हैं? जो प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं क्या आपने पहले वो सिलेक्ट कर लिया है, क्या वो ऑथराइज्ड है? हाँ नहीं, अभी हमने वो मालूम किया नहीं है, लेकिन इलाहाबाद में प्लॉट या हाउस लेने का शौक है। चलिए यहाँ पर आपको राय दिला देते हैं बलवंत जी से। बलवंत जी, इन्होंने जो मेंशन किया है 40,000 इनकी सैलरी है, हालांकि जो इन्होंने उम्र मेंशन करी है 51 इयर्स है, तो बैंक कितना कंफर्टेबल होंगे यहाँ पर लोन देने में और कितना लोन इनको मिल सकता है मैक्सिमम और उसकी जो उस पर इंटरेस्ट होगा वो कितना लगेगा? खासतौर से इन्होंने अभी सिलेक्ट नहीं करी प्रॉपर्टी, यहाँ पर इनको ये नहीं पता है कि ऑथराइज प्रॉपर्टी है या फिर अनऑथराइज प्रॉपर्टी, तो बैंक कितना कंफर्टेबल महसूस करेंगे अगर अनऑथराइज प्लॉट के लिए यहाँ पर लोन लें, आप क्या सलाह देंगे? देखिए श्रीवास्तव जी, ऐसा है कि आप दो ऑप्शन इवेल्यूएट कर रहे हैं, एक तो प्लॉट खरीदने का, एक प्रॉपर्टी खरीदने का। अगर सिर्फ प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो नॉर्मली बैंक सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए लोन नहीं देती है, और अगर लोन अगर देने के लिए सहमत भी होगी तो वो जो प्लॉट है वो जो अप्रूव्ड डेवलपर है उनका होना चाहिए, और जितनी वैल्यू होती है प्रॉपर्टी इसकी प्लॉट की उसका 50-60% के आसपास बैंक आपको लेंड करेगी। परंतु ये जो प्लॉट के सामने लोन मिलना या प्लॉट के लिए लोन मिलना मुश्किल है, परंतु अगर उसी प्लॉट में अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप बैंक से कंपोजिट लोन ले सकते हैं, और कंपोजिट लोन में जो प्लॉट की कॉस्ट है और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो दोनों शामिल होती है और उसके बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। क्योंकि आपकी उम्र 51 साल के आसपास है और बैंक नॉर्मली जो बोरर है उनकी 65 साल तक लोन टेन्योर एक्सटेंड हो तो लोन देते हैं, तो आपको 10 से 15 साल के बीच तक का लोन मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप क्या लाइफ सर्विस में है या आपके रिटायरमेंट की क्या एज आ रही है उसके हिसाब से, और जैसे आप इनकम बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको 22 से 25 लाख रुपए के आसपास आराम से लोन मिल सकता है।
जी बिल्कुल, तो लोन तो मिलने में आसान होगी, पर थोड़ा टेन्योर यहाँ पर छोटा होगा क्योंकि आपकी उम्र काफी ज्यादा है और यहाँ पर देखा जाए तो 2-3 साल के ITR रिटर्न की यहाँ पर कॉपी देनी पड़ेगी और इसके अलावा आपको आय पहचान टाइटल डीड से जुड़े यहाँ पर जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर बैंक के पास डिपॉजिट करने होंगे। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज लोन बाजार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही आपके लोन से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर उठा रहे हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में CFO अपनापैसा.com के बलवंत जैन जी। साथ ही आपको बता दें किस तरीके से आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने लोन से जुड़ी क्वेरीज हमारे पास भेज सकते हैं। करना आपको ये है कि आपको हमें एक ईमेल लिखना है, हमारा ईमेल आईडी नोट करें moneyguru@zeenetwork.com, यहाँ पर जाकर अपने डिटेल प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और इसके अलावा हमें SMS भी कर सकते हैं, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर कर्ज लिखकर अपना पूरा सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं 5-7-5-7-5 पर। चलिए इसी बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पे, बजरंग जी इस समय गुवाहाटी से लाइन पे हैं। बजरंग जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार जी, मैं फिलहाल बीकानेर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मेरा सेविंग अकाउंट है और उसमें काफी दिन से ट्रांजेक्शन है, तो मैं पर्सनल लोन लेना चाहूँ, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है जी? और आपने यहाँ पर मेंशन करी है कि आपकी जो मंथली सैलरी है वो लगभग 20,000 रुपए है। मंथली इनकम जो है 20,000 रुपया पर मंथ है जी, बिल्कुल। और साथ ही आप 1 साल के लिए 2,00,000 रुपए पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। हाँ जी, चलिए आपको राय दिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसके अगेंस्ट यहाँ पर कुछ भी डिपॉजिट यहाँ पर रखना नहीं पड़ता, कोई सिक्योरिटी रखनी नहीं पड़ती, तो बैंक कितना कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आपको 2,00,000 का लोन चाहिए और आपकी सैलरी 20,000 है, तो बलवंत जी क्या आप मानते हैं इनको इतनी सैलरी में 2,00,000 का लोन 1 साल के लिए मिल जाएगा? हालांकि अगर ये अपने टेन्योर इंक्रीज करने पर थोड़ा बहुत विचार करें तो क्या इनको कंफर्टेबली लोन मिल सकता है? बजरंग जी, जो लेंडर जो भी पर्सनल लोन आपको देगा वो देने के पहले यह जरूर सुनिश्चित करना चाहेगा कि आप उसकी जो किस्त आएगी वो कैसे चुकाएंगे। जैसे आपको जो 2,00,000 का लोन चाहिए 1 साल के लिए, तो किस्त ही आपकी 25,000 रुपये महीने की आती है बिना ब्याज के अगर गिने तो। और इसके अलावा जो आपकी इनकम है वो इनकम के पैमाने में सूट नहीं करती है, तो अगर आप अपना जो टेन्योर है वो बढ़ा देंगे, 2 साल कर देंगे तो आपका 10,000 रुपये के आसपास EMI आता है, और 3-4 साल कर देंगे तो 6,000 रुपये के आसपास EMI आती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% से 21% के आसपास है, तो वो आराम से मिल जाएगा। परंतु पर्सनल लोन देने के पहले बैंक आपकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करेगी, आपका जो रेसिडेंस का एड्रेस है वो वेरीफाई करेगी, और इसके अलावा आपके जो इनकम जो डिक्लेयर करी है, इनकम टैक्स के रिटर्न्स वगैरह जो भरे हुए हैं वो प्रूव करेगी, और उसके बेसिस पे और आपकी जो पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री है, सपोज आपने पहले कोई लोन वगैरह लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज किया हुआ है और उसमें कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है, तो आपको पर्सनल लोन आराम से मिल जाएगा। परंतु अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल लोन देने में, चूंकि ये अनसिक्योर्ड रहता है, इसके सामने लेंडर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तो लेंडर इंडिस्क्रिमिनेटली पर्सनल लोन नहीं देते हैं, वो बराबर जांच पड़ताल करने के बाद ही लोन देते हैं। तो अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है तो मेरा सुझाव है कि आपको जो पर्सनल लोन है वो 3-4 साल के लिए लेना चाहिए, तो वो आपके जो इनकम के पैमाने में अंदर भी फिट हो जाता है आपका EMI। जी बजरंग जी, यहाँ पर वेरिफिकेशन ज्यादा होगी क्योंकि अनसिक्योर्ड नेचर है इस पर्टिकुलर लोन का, आपका पुराना रिकॉर्ड यहाँ पर बैंक देखेगा, उसके आधार पर आपकी आय के आधार पर यहाँ पर लोन डिस्पर्स होगा। हालांकि आपको लोन मिल सकता है, पर आपने जो राशि यहाँ पर तय करी है 2,00,000 एक साल के लिए, वो मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो EMI बनेगी वो लगभग 10,000 के आसपास बनेगी 18% पर अगर कैलकुलेट करते हैं, तो 1,00,000 पर्सनल लोन की 1 साल के अंदर। टेन्योर हम बढ़ाने पर विचार करें, 2 या 3 साल के लिए लोन ले, EMI अगर 2 साल में देखेंगे 2,00,000 के पर्सनल लोन की, तो वो भी लगभग 10,000 के आसपास ही है, तब जाके आपको यहाँ पर लोन कंफर्टेबली यहाँ पर बैंक देने पे विचार कर सकता है। तो आपको टेन्योर यहाँ पर जरूर बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपको 2,00,000 का लोन मिल सकता है पर्सनल लोन। इसी बीच एक SMS हमारे पास आया है, ये भी ले लेते हैं यहाँ पर बलवंत जी, और जो SMS है यहाँ पर तुषार जी का अनंतनाग से SMS है, होम लोन पे ही इन्होंने प्रश्न पूछा है। 28 साल इन्होंने अपनी उम्र मेंशन करी है और जो इन्होंने सैलरी बताई है मंथली उसमें 19,000 रुपये बताई है। ये जानना चाहते हैं कि 15 साल के लिए पैरामिलिट्री सर्विस पैकेज के तहत यहाँ पर 10-12 लाख का होम लोन लेना चाहते हैं, तो राय चाहते हैं आपसे कि कौन से बैंक को संपर्क करें और पैरामिलिट्री सर्विस पैकेज के तहत यहाँ पर लोन लेने पे कुछ यहाँ पर रियायत मिलती है, यहाँ पर कुछ बैंक्स एक्स्ट्रा ऑफर करते हैं। तुषार जी, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने सितंबर 2010 में ये पैरामिलिट्री सैलरी या सर्विस स्कीम कुछ जाहिर की, उसके अंतर्गत स्टेट बैंक ने एक अपनी स्कीम घोषित की है जिसके अंदर
जो 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 भी लोग ये पैरामिलिट्री में जैसे बीएसएफ में है या नेशनल सिक्योरिटी में है, आरपीएफ में है, उन लोगों को टेन्योर में, जो सेम टेन्योर में लोन मिलेगा, परंतु जो प्रोसेसिंग फीस है वो स्टेट बैंक वेव करेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो बाकी लोगों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे आधा परसेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और इसके अलावा जो 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 बोरोअर को जो मार्जिन रखना पड़ता है, अपनी खुद का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, उसमें भी आपको 5% की आसपास रियायत मिल जाएगी। और ये आपकी इनकम के बेसिस पे आपको जो लोन चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मेरा सुझाव है कि आप कोई भी स्टेट बैंक की ब्रांच में जाइए और ब्रांच को ये बताइए कि आप मिलिट्री फोर्सेज में काम करते हैं तो मेरे को ये स्कीम के अंदर लोन कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए। नॉर्मली आपको जो आपके इनकम के प्रूफ है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका रेसिडेंस प्रूफ वगैरह वो देना पड़ेगा, और आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए। वो मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा होगा। चलिए बलवंत जी, यहाँ पर शो को वाइंड अप करने का समय आ गया है। आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। साथ ही साथ मनी गुरु में बस इतना ही, आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।